फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया है कि 24 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था बिहार एसएससी का उनका भी रद्द हुआ है अथवा नहीं हुआ है जो 23 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था 23 दिसंबर को तो वो तो प्रथम का रद्द हो ही गया है लेकिन अब रही बात यहाँ पर चौबीस दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था क्या उसका भी रद्द हुआ है नहीं हुआ है तो उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए सभी फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू पर मैं एक पेपर कटिंग डाउनलोड किया हूँ पेपर कटिंग आज का पेपर इंगी जो हिंदुस्तान में दिया था तो उसके माध्यम से आपसे सभी कुछ यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर बताया कि तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी प्रश्न पत्र वायरल यानी चौबीस दिसंबर का भी बात किया जा रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है तेईस दिसंबर को पहले में हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया था आरोप प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉर्ट सोशल मीडिया में आया जो चौबीस दिसंबर को वाला था यहाँ पर पूरा रीड करेंगे पर लिखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का पेपर भी वायरल हो गया है बता दें कि तीस तेईस दिसंबर को पहली वाली का पेपर वायरल होने की वजह से परीक्षा की रद्द कर दिया गया है और वही अब छात्रों का आरोप है कि चौबीस दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल है बताया जाता है कि प्रश्न पत्र स्क्रीन के साथ वायरल हुआ है इधर इस मामले का आयोग के सचिव कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया पर बात नहीं हो पाई यहाँ पर लिखा है कि चौबीस दिसंबर को पेपर वायरल की कोई जानकारी नहीं है आयोग के ओ मनोज कुमार ने बताया कि चौबीस दिसंबर का पेपर वायरल होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई सूचना मिली है वहीं पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों में इसमें लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है अभी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द न हो जाए इसको लेकर संस्कृत है यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर 24 दिसंबर का जो पेपर है वो भी वायरल हुआ है तो ऐसा हमें भी जानकारी इस तरह का नहीं मिला है अगर आपसे भी कोई जानकारी मिला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ पर 24 दिसंबर का पेपर रद्द हुआ चाहिए या नहीं होना चाहिए या चौबीस दिसंबर वाला पेपर लीक हुआ है अथवा नहीं है उसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर चौबीस दिसंबर का इस तरह का कोई तो अभी तक नहीं मिल पाया है लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि चौबीस दिसंबर का भी पेपर लीक हुआ है तो क्या आपको ऐसा मालूम है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अगर इस तरह का अगर समस्या आया होगा पेपर पेपर लीक होने का तो पेपर लीक अगर हुआ होगा तो रद्द तो जरूर होना चाहिए लेकिन पेपर अगर लीक नहीं हुआ है तो रद्द होने की कोई इस तरह का ये नहीं करें क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम देना भी बहुत बहुत परेशानी भी होता है तो इसलिए जो पेपर सही हो वो सही माने जो गलत है वो गलत माने तो आपका इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वायरल अगर पेपर हुआ होगा अगर रद्द होना होगा 24 तारीख वाला तो अगला जैसे ही नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा मैं आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन दे दूंगा जानकारी दे दूंगा कि पेपर वायरल हुआ है तो रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो उनका कंप्लीट जानकारी दे दूंगा तो इस तरह से चैनल पर बने रहे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा